हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके नए यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि कल निफ्टी फ्री और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। देखेंगे आज की परफॉर्मेंस की आज किस तरह से परफॉर्म किया है, क्या सरेरो निकल कर आया है, यानी कि क्या प्राइस में बना हुआ है, किस तरह मार्केट मूव कर सकता है, अगर अप जाता है तो कौन कौन सा टारगेट दिखा सकता है, लेकिन अगर डाउन आता है तो कौन कौन से लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और साथ ही हम देखेंगे आज फिन निफ्टी को भी, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो देखेंगे कि कल फिन निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ। 15 मिनट की कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और यहाँ पर इसने हाई लगाया 45,355 के लेवल पर। हाई लगाने के बाद देखिए, प्राइस यहाँ पर रुका, रुकने के बाद धीरे धीरे करके ये डाउन आ गया। डाउन आने के बाद एक लेवल मैंने पोस्ट किया था 45,042 के आसपास का लेवल, और मार्केट ने एग्जैक्ट उसी लेवल से क्या बना लिया, सपोर्ट। और मैंने आपको बताया भी था कि मेरा व्यू क्या है, अपसाइड के लिए, डाउनसाइड के लिए नहीं है। डाउनसाइड के लिए सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, स्कैल्पिंग। और देखिए मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट उसी लेवल से सपोर्ट जो बनाया, कैंडल कौन सी बनी, हैमर हैमर कैंडल बनी। मैंने यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान किया और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर, लेकिन फिलहाल यहाँ पर खास मूवमेंट नहीं मिला। मैं यहाँ पर जो अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पर एंट्री हुई, लेकिन यहाँ पर जो मूव मिला वो कुछ खास नहीं मिला। और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, फिर से रिजेक्शन ले लिया और यहाँ पर अप डाउन ये करता रहा। फिलहाल यहाँ पर जो है एक रेंज बना ली मार्केट ने, यहाँ पर ना तो हाई ब्रेक कर पाया ना यहाँ पर आज का लो ब्रेक कर पाया, तो बीच की रेंज में है। तो देखते हैं कल यहाँ पर किस तरह से हमें ट्रेड को प्लान करना है और क्या क्या टारगेट दिखा सकता है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ से रिमूव ड्राइंग, और यहाँ पर अब हम लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और जो लोग बिगनर हैं जिन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया है हमारे लिंक से धन पर, तो उनके लिए एक प्रीमियम ग्रुप स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड, जहां पर उन्हें एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करी जाएगी लाइव मार्केट में। जैसे यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग लेवल्स, मोमेंटम लेवल्स और स्विंग पर्पस स्टॉक्स जो है प्रोवाइड करे जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी डीमेट अकाउंट धन पर, हमारे लिंक से दो चार ट्रेड करिए और उनका स्क्रीनशॉट आप इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दीजिए, आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और ये प्रीमियम ग्रुप आपका 8-10 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसको भी ज्वाइन करना है आप जो है अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर चलिए मैं आपको एक दो चीज़ें दिखा देती हूँ कि क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं अगर आप धन पर अपना अकाउंट ओपन करते हो। तो बहुत दिनों से एक मैसेज आ रही थी कि मैम धन पर हम वॉल्यूम कैसे लगाएं, यानी कि धन पर जब हम बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं तो इस पर हम जो है कैसे हम वॉल्यूम लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपल तरीका है वॉल्यूम लगाने का। आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि जो हमारा बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, ये इंडेक्स का चार्ट है, इस पर हम ट्रेड नहीं करते। किसमें करते हैं, ऑप्शन में या फिर फ्यूचर में। तो यहाँ पर हम जो वॉल्यूम देखते हैं, किसका वॉल्यूम देखते हैं, फ्यूचर का। तो हम यहाँ पर जो वॉल्यूम लगाएंगे वो हम किसका लगाएंगे, फ्यूचर का। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम लगाना है, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आप लगा सकते हो धन पर। तो आपको क्या करना है, इंडिकेटर पे आना है, इंडिकेटर पे क्लिक करिए। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे वॉल्यूम, इस तरह से आप यहाँ पर वॉल्यूम टाइप कर लीजिए और यहाँ से हमने क्या कर लिया, ऐड वॉल्यूम। देखिए हमारा यहाँ पर ऐड हो गया है। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ये शो नहीं करेगा, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्पॉट के चार्ट पर हम ट्रेड नहीं करते, तो यहाँ पर वॉल्यूम आपको शो नहीं करेगा। अब यहाँ पर इस चार्ट पर आपको फ्यूचर का वॉल्यूम देखना है, तो कैसे करना है, इसकी सेटिंग पे जाइए, यानी ये वॉल्यूम की जो सेटिंग है इस पर आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर लिया, इस तरह से आपके सामने ऑप्शन ये ओपन हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको कुछ चेंज नहीं करना है, इनपुट्स पे आएंगे। इनपुट्स पे आने के बाद देखिए ऑप्शन आता है अदर सिंबल का, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन आ रहा है इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर टाइप करना है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर टाइप किया, आपको यहाँ पर कौन सा चार्ट लगाना है, यानी वॉल्यूम लगाना है, बैंक निफ्टी जुलाई फ्यूचर का। तो यहाँ से हमने चूज कर लिया और देखिए यहाँ पर ये वॉल्यूम आ गया है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सिर्फ आपको क्या करना है, ओके। जैसे हमने ओके कर लिया, यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर ये वॉल्यूम ऐड हो गया। तो इस तरह से आप जो है स्पॉट के चार्ट पर, यानी बैंक निफ्टी के चार्ट पर, आप वॉल्यूम को भी लगा सकते हो धन पर। काफी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मैम किस तरह से लगाएं, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कैसे आप लगा सकते हो वॉल्यूम को चार्ट पर। इसी तरह से अगर आपको ऑप्शन चैन देखना है, तो देखिए ऑप्शन चैन को भी देखने के लिए आपको किसी दूसरे ऐप की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप राइट क्लिक करिए, चाहे वो बैंक निफ्टी का हो या फिर किसी स्टॉक का ऑप्शन चैन देखना है या फिर किसी इंडेक्स का, यानी निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी का, उस पर आपको क्या करना है, सिर्फ राइट क्लिक करने के बाद देखिए ऑप्शन आएगा ऑप्शन चैन का। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन चैन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन चैन की मूवमेंट को भी देख सकते हो और यहाँ से आप एक्सपायरी वगैरह भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सपायरी का देखना है, नेक्स्ट एक्सपायरी का भी देख सकते हो। और यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि कैंडल्स की मूवमेंट के साथ साथ, यानी कि चार्ट के मूवमेंट के साथ साथ, आप यहाँ पर
ओआई डाटा भी देख सकते हो कि ओआई डाटा यहाँ पर चेंज हो रहा है या फिर नहीं चेंज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहे हैं या फिर यहाँ पर घट रहे हैं। इस तरह से आप जो है ट्रेड को यहाँ पर प्लान कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्शन चैन को देखकर ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उनके लिए काफी ईजी है, आप जो है चार्ट पर ही देख सकते हो। चलिए यहाँ से इसको कर देते हैं कैंसिल। तो धन ने काफी इजी कर दिया है ट्रेडिंग, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, यानी कि अब यहाँ पर हम लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो अप साइड से हमारे पास ये वाला हर्डल है, यहाँ पर 45,350 के आसपास का लेवल होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तभी हम प्लान करेंगे अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए हमारे पास ये वाला लेवल होगा, यानी सपोर्ट का 45,038 के लेवल, राउंड नंबर यहाँ पर 45,000 का, इसको मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पर ये। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे लिए सपोर्ट का एरिया है, और इसके अंदर हम ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे, इस रेंज के अंदर हम ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे फ्रेंड। या तो इसका हाई ब्रेक हो, या फिर यहाँ पर ये लो ब्रेक हो, तभी हम प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए। और देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको और समझा देती हूँ कि यहाँ पर देखिए 50 EMA भी हो सकता है, धीरे धीरे प्राइस इस 50 EMA तक आए और प्राइस यहाँ पर डाउन आए। अगर इसको ब्रेक कर देता है, 50 EMA को भी ब्रेक कर देता है, 50 EMA के नीचे जो है रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर देता है, यानी कि प्राइस जो है 50 EMA के नीचे सस्टेन करने लग जाता है, तब हम यहाँ पर प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए। क्योंकि हो सकता है प्राइस नीचे और यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से मूव करे अप साइड के लिए, क्योंकि मेजर ट्रेंड अभी भी हमारा क्या है अप है, और अभी भी मार्केट क्या है 50 EMA के ऊपर है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जैसे मैं आपको डेली बताती हूँ कि जब तक प्राइस 50 EMA के ऊपर है तब तक मेरा व्यू यहाँ पर अप है, लेकिन अगर यहाँ पर हमें प्राइजेशन दिखाई दे रहा है डाउन साइड के लिए, तो हम यहाँ पर छोटी क्वांटिटी से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। अगर प्राइस 50 EMA के नीचे आना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर हमें प्राइस जो है प्राइजेक्शन दिखाई दे रहा है डाउन साइड के लिए, तो हम यहाँ पर फुल क्वांटिटी से वर्क कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये वाला एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, अगर इसके नीचे निकल जाता है और यानी कि इन दोनों के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो हम ट्रेड को प्लान करेंगे, और जो हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए ब्रेक कर देता है तो हमारे पास ये वाला लो होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, 44,890 का लेवल होगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस कैंडल का जो लो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये जो गैप है ये गैप भी हमारा फिल कर सकता है। तो यहाँ पर जो टारगेट होगा वो होगा 44,780 के आसपास का, तो डाउन साइड यहाँ पर ये दो टारगेट दिखा सकता है। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ एक बार, ये रेजिस्टेंस सॉरी ये सपोर्ट यहाँ पर, ये इसको ब्रेक करेगा तो ये दो टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड के लिए। चलिए यहाँ पर मैं प्राइस लेवल लगा देती हूँ, तो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाला हर्डल होगा, यानी कि सपोर्ट 45,000 का राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक कर देता है उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल होगा 44,890 के आसपास का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 44,780 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड में। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास 44,675 के आसपास का भी लेवल दिखा सकता है, यहाँ पर अगर मैं मार्क करूँ ये लेवल के आसपास का भी दिखा सकता है ये, यानी कि 44,680 के आसपास का भी लेवल दिखा सकता है अगर यहाँ पर ये डाउन आया। क्योंकि प्राइजेक्शन की बात करें फ्रेंड तो प्राइजेक्शन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अभी चेंज नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से यहाँ पर अगर बात करूँ, तो देखिए अभी क्या कर रहा था प्राइस, यहाँ पर अब गया प्राइस नीचे आया, ये सपोर्ट बनाया, प्राइस फिर से अब गया, फिर से डाउन आया, यहाँ पर ये सपोर्ट बनाया, प्राइस अब गया डाउन आया, यहाँ पर ये सपोर्ट बनाया, प्राइस अब गया डाउन आया, यहाँ पर ये सपोर्ट बना, प्राइस यहाँ पर अब गया, फिर से डाउन आया, यहाँ पर ये सपोर्ट बनाया। अभी क्या कर रहा था, ये अपने पिछले हाई को जो है ब्रेक करते हुए जा रहा था। देखिए यहाँ पर ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, और यहाँ पर ये अभी इसने क्या किया प्राइस ने, प्राइस यहाँ पर अप तो गया है लेकिन यहाँ पर डाउन आ गया है, तो यहाँ पर ये वाला हाई बन गया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो प्राइजेस एक्शन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड मेजर ट्रेंड अभी भी हमारा अप है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो आपको देखकर चलना है, यानी प्राइजेशन को देखकर चलना है। अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है तो हो सकता है ये 50 EMA, यानी कि ये सपोर्ट का पूरा एरिया है, 45,000 का राउंड नंबर भी है, तो प्राइस यहाँ पर आने के बाद सपोर्ट भी ले सकता है और मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड के लिए। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, यानी कि क्लोजिंग मिलने के बाद इस तरह से अगर प्राइस जो है मूव करता है डाउन साइड के लिए, तो ये डाउन साइड हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेगा। चलिए हम यहाँ पर अपसाइड के लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद जो है मूव करता है अप साइड के लिए और यहाँ पर ये वाला हाई ब्रेक कर देता है, यानी कि आज का हाई अगर ब्रेक कर देता है, तो फिर हमारे पास जो टारगेट होंगे, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 45,500 का राउंड नंबर आ गया है, तो इसको हम लेकर चलेंगे 45,500 का राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर यहाँ पर 45,600 के आसपास का भी टारगेट दिखा सकता है। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ ये, तो ये दो टारगेट दिखा सकता है अपसाइड के लिए। चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बन सकता है 45,500, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 45,600 का लेवल। और फ्रेंड कई लोग के मैसेज आते हैं व्हाट्सअप पर कि मैम आपने टेलीग्राम चैनल पर जो लेवल पोस्ट किया था, यानी कि स्कैंडल ने जो लो लगाया था 45,042 के आसपास,
यहाँ पर ये वाला स्कैंडल का अगर लो देखें, स्कैंडल का जो लो है वो है, एक सेकंड, स्कैंडल का जो लो है वो है 41 स्कैंडल का। तो मैंने आज लेवल ड्रॉ किया था, तो देखिए ये लेवल मैंने क्यों कैसे निकाला था, तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैं आपको डेली बताती हूँ कि आपको क्या यूज़ करना है, फिब्रेटसमेंट टूल को। तो इस टूल को लिया मैंने, और यहाँ पर ये जो लास्ट कैंडल बनी है, स्कैंडल का लो मार्क कर लिया, स्कैंडल को मार्क किया, और यहाँ पर ये जो हाई बनाया था इसको मार्क कर लिया था, यानी कि ये वाला, क्योंकि इसके ऊपर जो है यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पा रहा था, जब प्राइस नीचे आ रहा था तब मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया। और देखिए 0.5 का लेवल कहाँ पर है, 45,030 के आसपास, और प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर क्या किया था, प्राइस में फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया था। तो ये मैंने लेवल निकाला था इस पर्पज से। तो देख सकते हैं किस तरह से प्राइस ने 0.5 के लेवल से ही क्या कर लिया था, सपोर्ट ले लिया था। तो इस तरह से आपको चीजों को फ्रेंड देखिए लाइव मार्केट में देखना है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही जो है रिट्रेसमेंट और रिवर्सल पर एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। तो फिलहाल फ्रेंड ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर मूव किया अपसाइड के लिए, रिजेक्शन ले लिया, डाउन आ गया, यानी कि जो सपोर्ट था जहाँ पर ओपन हुआ था उसी के आसपास से फिर से सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस अप गया, लेकिन यहाँ पर ये जो हाई है इसको ब्रेक नहीं कर पाया, और देखिए फिर से रिजेक्शन लिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्या कर रहा था, प्राइस अप गया, यहाँ पर डाउन आ गया, यहाँ पर ये हाई ब्रेक नहीं किया है, अभी क्या है यहाँ पर रुका हुआ है। अगर यहाँ पर देखें बैक आकर देखें तो प्राइस क्या कर रहा था, गैप अप ओपन हुआ, डाउन आया, एक हाई बनाया। यहाँ पर भी देखिए प्राइस क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, डाउन आया, यहाँ पर ये हाई बनाया। अब यानी कि अभी तक क्या कर रहा था, ये अपना नया हाई बना रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस अब तो गया लेकिन हाई नहीं बनाया है, अभी रिजेक्शन लिया हुआ है। तो किस तरह से ट्रेड को प्लान करना है कल के लिए, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेवल है हर्डल होगा, यहाँ पर ये वाला हाई होगा हमारे पास, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ये 19,335 के आसपास का लेवल होगा, क्योंकि ये देखिए कई बार यहाँ पर रिजेक्शन लिया हुआ है, क्लोजिंग नहीं मिल पाई है। तो ये अपसाइड से हर्डल होगा, और डाउन साइड यहाँ पर हमारे पास ये वाला लेवल होगा, यहाँ पर ये 19,240 का लेवल। बीच में अगर हम मार्क करें हर्डल, तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं ये वाला हर्डल, 19,300 के अराउंड नंबर है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, 300 लगा लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर प्राइस यहाँ पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर इसको ब्रेक कर देता है, फर्स्ट कैंडल यहाँ पर ब्रेक कर देती, क्लोजिंग दे देती है, और उसके बाद दिखाई दे रहा है प्राइस अप जा रहा है, तब हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे। और यहाँ पर जो हमें टारगेट देखने को मिल सकता है, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे, यहाँ पर 19,375 का हमारा टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर फिर देखिए 19,400 का राउंड नंबर है, तो इस लेवल के आसपास का टारगेट हम लेकर चल सकते हैं। तो इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें दिखा सकता है अपसाइड में। लेकिन अगर डाउन आता है, देखिए यहाँ पर जो है प्राइस क्या कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, अगर इसके नीचे निकल जाता है, क्लोजिंग दे देता है, क्लोजिंग देने के बाद डाउन आ रहा है, तो हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे, जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो देखिए ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये तो ध्यान रखिएगा अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है, यानी निफ्टी अगर डाउन आता है और सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, और यहाँ पर 50 EMA है, अगर इन दोनों के नीचे प्राइस निकलने लग जाता है, तब हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्राइस क्या कर सकता है, इस तरह से भी यहाँ पर ये पैटर्न क्रिएट कर सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी कि यहाँ पर ये एम पैटर्न भी बना सकता है, यानी कि डबल टॉप, अगर यहाँ पर ये डाउन आके क्लोजिंग दे देता है, तो ध्यान रखिएगा डाउन साइड यहाँ पर जो हम ट्रेड प्लान करेंगे वो हम इस लेवल के नीचे, यानी जो सेफ एंट्री होगी वो हमारी इस लेवल के नीचे होगी, और जो टारगेट होगा, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो गैप है, इस गैप के आसपास का टारगेट दिखा सकता है 19,196 का लेवल, तो डाउन साइड ये टारगेट दिखा सकता है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये वाला लेवल होगा 19,155 का टारगेट, तो डाउन साइड हमारे पास ये स्ट्रांग हर्डल्स है, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ ये वाला टारगेट होगा, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये लेवल, तो ये तीन टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड के लिए। अप साइड यहाँ पर हमारे पास ये वाला हर्डल होगा, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये लेवल, तो ये दो टारगेट हमें अपसाइड दिखा सकता है, और ये तीन टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा प्राइस ने यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं किया है, टाइम स्पेंड कर रहा है, और रिजेक्शन लिया हुआ है। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर यहाँ पर हमें पैटर्न क्या मिलेगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से पैटर्न और सिनेरियो दिखाई दे सकता है। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। अब चलिए एक बार यहाँ पर फिब्रेटसमेंट टूल को ले लेते हैं। ये हमने ले लिया फिब्रेटसमेंट टूल को, और यहाँ पर लेटेस्ट जिस लेवल से जो है मार्केट ने बाइंग दिखाई है उसको हम मार्क कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये स्विंग है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके मूवमेंट दिखाया अपसाइड के लिए, यानी यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है, तो स्कैंडल का लो हम मार्क कर लेते हैं, और यहाँ पर ये
आज का हाई मार्क कर लेते हैं, ये हमने मार्क कर लिया। और देखिए 0.5 का लेवल कहाँ पर है फ्रेंड, जो अभी हमने लेवल ड्रॉ किया है यानी सपोर्ट का, वो हमारा क्या है 0.5 का लेवल है। और 0.6 के लेवल के पास में हमारा 50 EMA भी है, तो ध्यान रखिएगा प्राइस अगर नीचे आता है तो 50 EMA का सपोर्ट ले सकता है, तो इस सिनेरियो को ध्यान रखिएगा। अगर एक स्टेप थोड़ा सा अप करें यानी कि यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बनी है इसको हम मार्क करें, तो देखिए जहाँ पर 0.5 का और 0.6 का लेवल है, तो अभी हमने जो सपोर्ट का लेवल निकाला है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0.6 का लेवल आ चुका है अगर हमने एक स्टेप यहाँ पर अप किया है, तो अगर डाउन आता है तो यहाँ कहीं से सपोर्ट ले सकता है प्राइस और मूव कर सकता है। अगर सिनेरियो यहाँ पर डाउन साइड का दिखा रहा है तो फिर देखिए यहाँ पर ये गैप भी हमारा फिल हो सकता है, तो इन सारी चीज़ों को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर फिन निफ्टी को। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ, अप जाने के बाद यहाँ पर डाउन आ गया और यहाँ पर इसने क्या बना ली, फिलहाल एक रेंज बना ली है। अब देखना ये है कि इस रेंज को अपसाइड ब्रेक कर देता है या फिर डाउन साइड ब्रेक करता है। तो चलिए यहाँ पर हम लेवल को मार्क कर लेते हैं, तो हमारे पास जो हर्डल है यहाँ पर सारी चीज़ें मार्क करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये आज का हाई मार्क कर लेते हैं, 20,398 के आसपास का लेवल यानी कि 400 का अराउंड नंबर है। और डाउन साइड से यहाँ पर ये वाला लो मार्क कर लेते हैं, 20,133 के आसपास का लेवल होगा यहाँ पर। ये बीच में, चलिए यहाँ पर हम रेंज को मार्क कर लेते हैं, तो बीच में जो हमारे लिए रेंज है वो है यहाँ पर ये वाला हाई, और यहाँ पर अगर हम मार्क करें डाउन साइड से ये वाला लो, ये हमारे लिए छोटी सी रेंज है। ध्यान रखिएगा अगर प्राइस यहाँ पर मूव करता है अप साइड के लिए तो देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए, अगर क्लोज कर देता है तो फिर यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यानी कि यहाँ पर ये हाई। अगर डाउन आता है तो देखिए डाउन आता है तो यहाँ पर फिर हमारे पास ये वाला हर्डल होगा, और बीच में जो 50 EMA इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे फ्रेंड, क्योंकि डाउन आने के बाद 50 EMA का सपोर्ट ले सकता है और फिर से प्राइस मूव कर सकता है, क्योंकि इस लेवल से बायर जो है वो थोड़े से स्ट्रांग है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेगा। अगर डाउन आता है सेफ एंट्री जो हमारी डाउन साइड के लिए बन सकती है वो इस लेवल के नीचे, क्योंकि 50 EMA भी अगर इसके नीचे क्लोजिंग करने स्टार्ट कर देता है और इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर जो है अच्छा मूवमेंट जो है दिखा सकता है डाउन साइड के लिए। तो डाउन साइड यहाँ पर जो हम टारगेट लेकर चलेंगे, फिर हमारे पास ये वाला गैप है, ये गैप हमारा फिल कर सकता है 20,072 का लेवल डाउन साइड के लिए। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये वाली छोटी सी रेंज है, इसको हम मार्क कर लेते हैं, 20,033 का जो है लेवल होगा। चलिए यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं लेवल, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड के लिए ये वाला लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल भी दिखा सकता है डाउन साइड के लिए। अगर मूव करता है अप साइड के लिए तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 20,400 का राउंड नंबर, ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा अप साइड के लिए। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट देखने को मिल सकता है, तो देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास 500 का राउंड नंबर है, तो 20,500 का लेवल भी दिखा सकता है। अगर प्राइस जो है यहाँ पर ओपन होने के बाद जिस तरह से यहाँ पर अभी रेंज बनाई हुई है, अगर प्राइस यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाते हुए मूव करता है और यहाँ पर कुछ देर रुक जाता है, रुकने के बाद अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये एक अच्छा टारगेट दिखा सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या देखना है आपको यहाँ पर, प्राइस इस तरह से मूव करे, यहाँ पर रुके, रुकने के बाद ब्रेक करे, यानी कि फर्स्ट आप अगर यहाँ पर कोई रेंज बना लेता है और उसके बाद ब्रेक कर देता है तो ये टारगेट हमारा अचीव हो सकता है। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पर अप गया और यहाँ से रिजेक्शन फेस किया तो फिर से हमें यहाँ पर फॉल का सिनेरियो देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए। तो ये हमारे अपसाइड के टारगेट हो गए, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, तो ये राउंड नंबर होगा हमारा यहाँ पर 500 का, यानी 20,500 का लेवल दिखा सकता है अपसाइड के लिए। अब चलिए यहाँ पर हम फिब रेटेसमेंट टूल को ले लेते हैं, तो यूज़ करते हैं फिब रेटेसमेंट टूल को, और आज का हाई और आज का लो और हाई मार्क करते हैं। सबसे पहले एक बार यहाँ पर लेवल को देखते हैं, तो देखिए 0.6 का लेवल है, जहाँ से मार्केट बार बार क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर प्राइस नीचे आता है, ब्रेक कर देता है, तो एक अच्छा सिनेरियो हमें दिखाई दे सकता है डाउन साइड के लिए फिन निफ्टी में। और यहाँ पर अगर एक स्टेप को और यहाँ पर डाउन करूँ, यहाँ पर ये वाला एरिया, यहाँ से ये, तो देखिए 0.5 का लेवल भी कहाँ पर है, 20,215 के आसपास। तो जो अभी यहाँ पर हमने जो लेवल निकाला है प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग, ये एरिया हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको ब्रेक होने दीजिए तो हम यहाँ पर जो है अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स ये था मेरा निफ्टी 50 बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब देखते हैं मार्केट कल कहाँ पर ओपन होता है, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। फर्स्ट कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कैंडल को देखना है कि वो कहाँ पर ओपन हुई है, किस लेवल पर ओपन हुई है, सपोर्ट की कैंडल है या फिर रिजेक्शन ले रही है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड को प्लान करना है। और जो भी नए लेवल्स निकल कर आएंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। देखिए फ्रेंड इस वीडियो में स्टॉक्स नहीं बताऊंगी, क्योंकि वीडियो फिर काफी बड़ी हो जाएगी, तो
स्टॉक्स मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और प्रीमियम ग्रुप के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्या करना है, धन पर अपना अकाउंट ओपन करना है। ओपन करने के बाद 2-4 ट्रेड करिए और उसको जो है व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दीजिए और उसके बाद आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और ये ग्रुप जो स्टार्ट होगा यानी प्रीमियम ग्रुप, वो 8 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।